अस्सलाम वालेकुम बेटा, ओपन योर उर्दू का वायदो इंशा, पेज नंबर 81 है आपका। तारीख लिखें, आज हम तफहीम इबारत पढ़ेंगे। तफहीम इबारत क्या होती है? ऐसी इबारत जिसको हम ऐसा उनवान जो हम पढ़ते हैं और फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चंस के हम आंसर्स लिखते हैं उसी इबारत में से देखकर। दर्ज ज़ैल इबारत पढ़कर नीचे दिए गए सवालात के जवाब तहरीर कीजिए और इबारत का मुनासिब उनवान भी तहरीर कीजिए। अब हम इबारत पढ़ते हैं। अल्लाह ताला ने हम पर हज़ारों एहसान किए हैं। अल्लाह का सबसे बड़ा एहसान ये है कि इसने इंसान को सारी मखलूक में अफसल बनाया है। बेशुमार नेमतों के साथ अल्लाह ने हमें दिलो दिमाग अता किए हैं ताकि हम अल्लाह ताला की अता करदा नेमतों को अपनी और दूसरों की भलाई के लिए इस्तेमाल करें। अल्लाह ताला ने जो काम हमारे ज़िम्मे किए हुए हैं इनको अंजाम देने के लिए हमारा तंदुरुस्त होना ज़रूरी है। ज़िंदगी का सारा लुत्फ तंदुरुस्त रहने से ही हासिल होता है। सेहतमंद और तंदुरुस्त रहने के असूल बहुत आसान हैं। जो लोग सफाई पसंद होते हैं, सादा खाना खाते हैं, मेहनत से जी नहीं चुराते, लिबास और जिस्म को पाक साफ रखते हैं, हमेशा तंदुरुस्त रहते हैं। इसलिए हमें चाहिए कि अपनी सेहत का ख्याल रखें। अब हमने ये इबारत पढ़ी, अब हम इसके सवालों के जवाब देंगे। नंबर एक सवाल देखें, अल्लाह ताला का इंसान पर सबसे बड़ा एहसान कौन सा है? जवाब लिखें, अल्लाह का सबसे बड़ा एहसान ये है कि उसने इंसान को सारी मखलूक में अफजल बनाया है। नंबर दो देखें, हमें अल्लाह ताला की नेमतों को कैसे इस्तेमाल करना चाहिए? बेशुमार नेमतों के साथ अल्लाह ने हमें दिलो दिमाग अता किए हैं ताकि हम अल्लाह ताला की अता करदा नेमतों को अपनी और दूसरों की भलाई के लिए इस्तेमाल करें। नंबर तीन देखें, तंदुरुस्ती के क्या फ़ायदे हैं? अल्लाह ताला ने जो काम हमारे ज़िम्मे किए हुए हैं इनको अंजाम देने के लिए हमारा तंदुरुस्त होना ज़रूरी है। ज़िंदगी का सारा लुत्फ तंदुरुस्त रहने से ही हासिल होता है। नंबर चार देखें, सेहतमंद और तंदुरुस्त रहने के असूल क्या हैं? जवाब लिखें, सेहतमंद और तंदुरुस्त रहने के असूल बहुत आसान हैं। जो लोग सफाई पसंद होते हैं, सादा खाना खाते हैं, मेहनत से जी नहीं चुराते, लिबास और जिस्म को पाक साफ रखते हैं, हमेशा तंदुरुस्त रहते हैं। नंबर पाँच, इस इबारत का मुनासिब उनवान लिखिए। इसका उनवान हमने ख़ुद लिखना है और इसका उनवान आप लिखें, तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है। इसका उनवान हम खुद लिखेंगे और इसका उनवान ये है, तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है।